हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। होप सो आपको ये पहले वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आज मैं आपको 100 का कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। ओके, हेयर इज एन कॉन्सेप्ट ऑफ 100। अब हम इसमें देखेंगे कि 100 का कॉन्सेप्ट कैसे बनता है। अगर आपके पास 9, 10 के बंडल हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9, 10 के बंडल हैं और 10 लूज स्टिक है। अगर आपके पास 10 लूज स्टिक्स होती हैं तो वो क्या बनाता है, 110। क्या बनाता है, 110। 9 + 1 मिलकर के क्या बनता है, 10 tens। अगर आपके पास 9 के 10 बंडल हैं और 1 tens हैं तो वो क्या बनाएगा, 10 tens। और जब हमारे पास 10 tens होते हैं, टोटल मिलाकर जब हमारे पास 10 tens होते हैं तो 10 tens मिलकर के क्या बन जाता है, 100। 10 tens मिलकर के क्या बन जाता है, 100। ओके, अब जब हम 100 को ब्रेक करेंगे तो वंस प्लेस पर हमारे पास क्या है, ओनली 0। टेंस प्लेस पर हमारे पास क्या है, 0। एंड 100 प्लेस पर क्या है हमारे पास, 100। 100 प्लेस पर हमारे पास क्या है, 100। 100 कैसे बना था हमारे पास, 9, 10 के बंडल, 10 वंस लूज स्टिक। 10 हमारे पास क्या थी, लूज स्टिक्स थी। जब हमारे पास 10 लूज स्टिक्स होती है तो वो क्या बनाता है, 110। और जब हम 9 tens और 1 tens को ऐड करेंगे, दोनों को एक साथ जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 10 tens। क्या आएगा हमारे पास, 10 tens। और 10 tens किसके इक्वल होता है, 100 के इक्वल होता है। 10 tens किसके इक्वल होता है, 100 के इक्वल होता है। ऐसे हमारा बनता है 100। ये तो आपको समझ में आ गया है, वंस प्लेस पर हमारे पास क्या है, 0। टेंस प्लेस पर हमारे पास क्या है, अगेन 0। और 100 प्लेस पर जो थर्ड प्लेस है हमारी, वो कौन सी होती है, 100। तो 100 प्लेस पर हमारे पास क्या है, 100। क्या है, 100। ऐसे बना हमारा 100। ओके, गेट इट। अब हम देखेंगे कि हमारे पास एक है 100, दो हमारे पास 2 tens है, मीन्स 2 बंडल हैं 10 10 के। ओके, एंड 3 हमारे पास क्या है, लूज स्टिक्स है। 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 100, मीन्स 100। 2 tens को हम कैसे डिनोट करते हैं, 20 से। 2 tens को हम कैसे डिनोट करते हैं, 20 से। एंड 3 ones को हम कैसे डिनोट करते हैं, 3 से। अब हम जब हम इन तीनों को एक साथ मर्ज करेंगे तो ones प्लेस पर हमारे पास क्या है, 3। tens प्लेस पर हमारे पास क्या है, 2 बंडल, दैट मीन्स 20। एंड 100 प्लेस पर हमारे पास कितना क्या है, 1। तो हमारे पास क्या बन गया, ये नंबर 123। Hope you get it what I want to clear here. अब ये आपके लिए होमवर्क है कि आप अपनी मम्मा के साथ बैठ करके इसको सॉल्व करेंगे कि आपको ये समझ में आया है या नहीं। ओके, इसको आपको अपनी मम्मा के साथ बैठ करके कर